तो जो हर सबको दिस मसल हंसता एंड यू आर वाचिंग द रफ बाइकर्स मोटर ब्लॉग। सो आज मैं एक चीज़ भूल गया, मतलब कि मैं अपना माइक का कनेक्टर मैं घर से लाने भूल गया। सो आज हम लोग के साथ डोमिनार 400 ब्लैक कलर वाला बेस 4। तो चलिए लेट्स टेक अ टेस्ट राइड। तो आगे आगे रोके भैया लोग निकल गए हैं 310 से और डबल भैया लोग 204B से। तो आप लोगों को मेरा आवाज़ इतना क्लियरली नहीं सुनाई देगा क्योंकि मैं अपना माइक में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं GoPro का मैं इंटरनल माइक में यूज़ कर रहा हूँ। सो आप लोग को जब मैं गाड़ी चलाऊँगा स्पीड में तो आप लोग का साउंड इतना क्लियरली नहीं सुनाई देगा। तो आई एम रेडी, सॉरी फॉर डैट। सो इट इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम राइडिंग डोमिनार 400। सो आज मैं आप लोगों को डोमिनार 400 का मतलब चलाने का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। मतलब गाड़ी का टॉर्क भी सही लगा मुझे, मतलब गाड़ी अच्छा से टान रही है। और सीट का बात करें तो सीट थोड़ा कंफर्टेबल है, थोड़ा कुशनेबल है, तो अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल राइड दे रही है डोमिनार। तो अभी हम लोग यहाँ से लेना है लेफ्ट। और यहाँ पे रुके हुए रोके भैया लोग, अजय भैया लोग, अच्छा रोके भैया, बबुल भैया एंड अजय भैया ऑन 204B। चलिए तो लेट्स गो। मतलब कि मुझे लगता है आप लोगों को साउंड क्वालिटी उतना अच्छा से आप लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि मैं अपना माइक में यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग इसमें मैनेज कर लेना जैसे तैसे, क्योंकि हड़बा हड़बी में मैं अपना कनेक्टर लाना मैं भूल गया, माइक कनेक्टर। सो मैं आप लोगों को उतना अच्छा साउंड क्वालिटी मैं आप लोगों को दे नहीं पाऊँगा। सो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, इट्स माई फॉल्ट। तो डेट्स ऑल आज का राइड में मज़ा आया, अच्छा लगा डोमिनार चला करके, डोमिनार 400 BS4। और ये है अजय भैया का बाइक, इट्स ए सेकेंड हैंड बाइक एंड इट्स रियली ऑसम। सबसे बढ़िया मुझे यही अच्छा लगा डोमिनार का कि उतना एग्रेसिव नहीं है लेकिन शांति है सही। और इसका अगर सीट का कंफर्ट का बात करें तो सीट भी इसका काफ़ी कंफर्ट है, कंफर्टेबल राइड आपको मिलेगी। और इसका हेडलाइट का अगर हम लोग बात करें तो हेडलाइट इस LED और विजिबिलिटी भी सही है हेडलाइट का, मतलब रात में अगर आप चलाओगे तो रात में मतलब कि ठीक ठाक विजिबिलिटी है मतलब गाड़ी का।
रात में भी किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगी एंड इट्स गुड।